वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ फॉर के पर। दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने SSC MTS एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आपको मैं बताता हूँ, आज के वीडियो में बात करेंगे हम GK GS के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 2 मई से 15 मई तक कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो ये वीडियो पूरी देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। इस क्वेश्चन की बात कर लिया तो अब ये 10 मई को पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कीजिए आप सभी, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी थोरियम का जो भंडार है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा भंडार केरल में है, ऑप्शन ए। सेकंड दिया है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं। जो पश्चिम बंगाल देश है उसकी सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं, तो दोस्तों 3 देशों के साथ अलग होंगे। तीनों देशों के नाम एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। ये पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कौन कौन से देशों के साथ लगी हुई हैं, उनके नाम लिखिए, तो उनके नाम एक बार कमेंट में बताइए, अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। देखिए 3 दिया है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है दोस्तों, तो कोटा जो है राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 4 नंबर दिया, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों सबरीमाला जो है केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। आपको भी केरल जाइए, वहां पर आपको सबरीमाला देखने को मिल जाएगा, तो ये केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। ये MTS 2 मई के साथ साथ 6 मई को क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर जो स्टूडेंटों का एग्जाम हुआ गया उनसे आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो 2 मई से 15 मई तक कंटिन्यू पूछे गए हैं। देखिए 5 दिया है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा पूछा है, ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट कल ही यानी 15 मई को पूछा गया है। तो फाइनली आप मुझे बताइए, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर दिया, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, तो दोस्तों धनी स्थान जो हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो 7 मई को ये क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, लगातार आपको ये कॉन्टैक्ट पर क्लासेस चैनल पर दी जा रही है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन दिया उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू स्टूडेंट मिल। 7 नंबर, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका आंसर कीजिए ठीक है, जिसका त्रिपुरा है वो बिल्कुल सही है। त्रिपुरा वाले स्टूडेंटों का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत का त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो दोस्तों जो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 9 नंबर दिया, सिंह जिराफ बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। जो सिंह है, जिराफ है, बाइसन है दोस्तों, कहाँ कौन से वनों में ये मुख्यतः से पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये घास स्थल वन में मुख्यतः पाए जाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सिंह जिराफ बाइसन जैसे जानवर घास स्थल वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में, तो अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ तो आपके लिए गोल्डन चांसेस है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर रिपीट करके जाएं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, या हमारे परफेक्ट मैथ फॉर के टीम का ये नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या किसी भी तरीके कोई डाउट है तो यहाँ पर आपको सभी सॉल्यूशन आपके यहाँ पर दिए जाएंगे, तो फटाक से कॉन्टैक्ट कीजिए 9759561827। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, बिल्कुल निःशुल्क है, टॉल फ्री नंबर है, आपकी बिना पैसे कटे आपकी कॉल हो सकती है। देखिए 10 नंबर, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। जो संस्थान है दोस्तों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है। मैं कई बार आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, और देहरादून किस स्टेट में पड़ता है इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो एक बार कमेंट में कर दीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए 11 नंबर, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट जो है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
देखिए 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 4 मई को क्वेश्चन पूछा गया, उसके साथ साथ बता दूं आपका एक क्वेश्चन 2 मई को भी पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका ज्यादातर रिपीट हुआ है। दिया है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो दोस्तों जो वन क्षेत्र जो है अनुपात में होना चाहिए 33.3% अनुपात में होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र जो है दोस्तों 33.3% अनुपात में होना चाहिए, सी ऑप्शन फाइनली है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सी ऑप्शन वाले हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हैं, आप अपना आकलन कर सकते हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है, देखिए सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाता मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस को हर तरीके से एग्जामिनर घुमाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कई तरीके से एग्जामिनर घुमाने की पूरी कोशिश एग्जाम में की जा रही है, लगातार स्टूडेंटों से बात हो रही है जो एग्जाम देकर आए हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। जी के जी एस का पैटर्न थोड़ा मुश्किल रहा है, जी के जी एस का पैटर्न थोड़ा हार्ड रहता है एग्जाम में, तो आप थोड़ी तैयारी अच्छे से करके जाइए अगर एग्जाम आपको इस बार क्लियर करना है। देखिए 14 नंबर, ये एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दाचीग्राम बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 15 दिया, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है, कुगटी वन्य पशु विहार जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 17 नंबर, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, जो नागरहोल राष्ट्र नेशनल पार्क है दोस्तों ये जो है स्टूडेंट कर्नाटक में स्थित है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कर्नाटक का भी घूमने का स्थान है, आप जा सकते हैं वहां पर। देखिए 18, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों स्थित है ये राजस्थान में स्थित है, और ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, मैं लगातार देखा है ये 2 मई के साथ साथ 7 मई को ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जो स्टूडेंट 7 मई को एग्जाम देकर आए हैं 2 मई को एग्जाम देकर आए हैं वो एक बार जरूर हाजिर हो कमेंट में। देखिए नेक्स्ट दिया है, सुंदरबन के जंगलों को क्या कहा जाता है, जो सुंदरबन का जंगल है दोस्तों उसको मैं बता दूं यहाँ पर उसको मैनग्रोव कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं बात करूँ आपकी जो PCS का भी एग्ज़ाम हुआ है, हमारे सर एग्ज़ाम देकर आए हैं अभी और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है मैनग्रोव, सुंदरबन के जंगल को दोस्तों मैनग्रोव कहा जाता है, तो ये UPSC में भी एग्ज़ाम सॉरी PCS के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो शायद आपके SSC MTS में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाते हैं, जियोग्राफी के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 20, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये वन्य जीव संस्थान जो है तो देहरादून में स्थित है, अभी क्वेश्चन को रिपीट करा है थोड़ा घुमा दिया गया है क्वेश्चन, सी ऑप्शन। देखिए 21, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, जो स्वच्छ जल समुदाय होता है उसका जो लैंटिक आवास का उदाहरण है दोस्तों, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, तालाब और दलदल जो है लैंटिक आवास का एक उदाहरण है स्वच्छ जल समुदाय में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाया हुआ क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए 22, गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, देखिए अभी पीछे हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है, तो उनको मैनग्रोव कहा जाता है, यहाँ पर मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, तो फाइनली इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, सुंदरबन। एक क्वेश्चन को कई तरीके से हमने लिखा है, जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को हमने कई तरीके से यहाँ पर रिपीट किया है, तो जो स्टूडेंट सही से समझते चलेंगे उन्हें काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिल जाएगी। तो दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार SSC MTS के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पूरी क्लासेस चैनल पर दी जाएगी और बिल्कुल सटीक दी जाती है, यहाँ पर कोई भी आपको फेक न्यूज़ यहाँ बिल्कुल नहीं दी जा रही है, क्योंकि दोस्तों हम टाइम की कीमत जानते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास अब इतना है नहीं, अगर स्टूडेंट अगर आपका एग्ज़ाम 1-2 दिन में है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। देखिए 23, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो फाइनली स्टूडेंट इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी आपके SSC MTS में पूछे गए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो दोस्तों कपास उगाने के लिए दोस्तों काली मिट्टी उपयोग में होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके SSC MTS में भैया पूछे गए हैं,
लगातार ये क्वेश्चन आपके 2 मई से 15 मई तक रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है आपकी वीडियो में है, तो दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर ये पीडीएफ चाहिए, आपको हैंड राइटिंग के पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पर चले जाइए, परफेक्ट मैथ्स फोर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी। 25 ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की संरचना रचना होती है, जो ऊंचे क्षेत्र आपने देखे हैं वहाँ पर लैटेराइट मृदा की रचना होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो होती है अम्लीय। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू स्टूडेंट।